अपने YouTube चैनल माने स्ट्रीट पर आज वापस मैं राजयोग रेसिडेंसी पर आया हूँ, जिसकी वीडियो मैंने लगभग पिछले हफ्ते डाली थी दिखाने के लिए कि उस टाइम जब मैंने वीडियो डाली थी ये सारा का सारा सिर्फ एक ज़मीन के रूप में थे, सिर्फ रोड बने थे। आज मैं दिखाऊंगा इसका स्टेटस कि एक हफ्ते बाद इस पे कितना काम हुआ है, क्या सारी चीज़ें आज मैं साइट पे इसलिए आपको लेके आया हूँ। दूसरी चीज़ें मैं उस वीडियो में आपको प्रॉपर 3D भी नहीं दिखा पाया था सोसाइटी का, तो वो मैं आपको वो दिखाऊंगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पर हाउस टू हाउस कि किस टाइप से आपका ये पूरा का पूरा सोसाइटी। आज मैं बताऊंगा आपको इस सोसाइटी में अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस या कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी विला आप सर्च आउट कर रहे हैं तो क्यों आपको वो लेना चाहिए करो। तो आइए चलते हैं, मैं आज आपको ये सोसाइटी पहले मैं सोसाइटी दिखाता हूँ, धीरे धीरे सोसाइटी के बारे में बताऊँगा, इसकी लोकेशन बताऊँगा, नियर बाय बताऊँगा, क्यों यहाँ लें वो मैं बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको इसका 3D दिखाऊँगा कि बनने के बाद आपको कैसी ये सोसाइटी मिलेगी और कैसी लगेगी, आप एक्चुअल में कैसी आपको इसको प्रोवाइड होगी। आज ये चलते हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे हम लोग आते हैं तो आपके जो हम लोगों की जो एंट्री होती है वो आपके 20 फीट चौड़े RCC रोड पे होती है। जहाँ से हम लोग आए हैं वो अंदर जो मेन रोड रहेगा सोसाइटी के आउटर रोड है वो आपका 30 फीट रोड है और ये आपका 20 फीट रोड है। सारे के सारे जितने रोड हमने सोसाइटी पे प्रोवाइड किए हैं, चाहे इनर हो या डिवीजन हो या कोई भी हो, वो सारे के सारे आपके 20 फीट के रोड हैं। मेरे राइट हैंड साइड में मैंने पहले भी सोसाइटीज़ मतलब पहले भी आपके वीडियोज़ में मैंने कंफर्म किया है और सारी चीज़ें मैंने बताई है कि ये वाला जो एरिया है ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, ये फ्रंट वाला एरिया सारा का सारा ऑन होल्ड है फॉर द कमर्शियल पर्पज़।
यहाँ ये एरिया फ्रंट वाला एरिया कोई भी सोल्ड के लिए नहीं है कि ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे जस्ट घुसते के साथ में ही वो आपका हमारा साइट ऑफिस गार्ड रूम आपका ये रहेगा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी है ये जो कंस्ट्रक्शन चालू है ये सारे के सारे आपके 60-60 गज के प्लॉट और मकान हैं यहाँ पे। यानी कि आप जो मिलेगा आपको यहाँ से अगर 60 गज 50 गज अगर आप देख रहे हैं तो जो आपको मिलेगा वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका एक 2 साइड ओपन का प्लॉट मतलब मकान ही है या मकान बनने जा रहा है ऑलरेडी ये सोल्ड आउट है, ठीक है। और ये आपका अगर मैं आपको राइट हैंड साइड में दिखाऊँ इस वाली गली में दिखाऊँ तो ये आपका काम ऑलरेडी चालू हो चुका है यहाँ पे प्रॉपर। मेरी पूरी साइट पे अगर आप देखते हैं तो एक हफ्ते में प्रॉपर अभी तक हमारे यहाँ 18 यूनिट सोल्ड हो चुकी है मात्र एक महीने के अंदर, और सोसाइटी का लॉन्च ही हुए 1.5 महीने हुआ है और 1.5 महीने के अंदर आपका यूनिट भी सोल्ड हो चुका है, काम भी हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी आ चुकी है, रोड भी बन चुके हैं, प्रॉपर ड्रेनेज भी हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। साइट पर आए देखिए आप वर्चुअली देखते हैं मेरे चैनल पर वर्चुअली देख रहे हैं, इसके अलावा आप फाइनली अभी आए और देखें। अभी मेरे पास में ये और ये दोनों 100-100 गज के जो हाउसेज हैं ये सोल्ड हो चुके हैं। इसके बाद में मेरे पास जो है वो आपका 42 नंबर है नेक्स्ट वाली गली फ्रंट टू बैक वाली जो गली है सेकंड वाली गली जो है इसमें कॉर्नर के आगे पीछे वाले दोनों मेरे पास अवेलेबल है, और लास्ट वाली अवेलेबल जो 26 नंबर प्लॉट है वो भी मेरे पास में अवेलेबल है। वही 100 गज का अपना मकान सोल्ड हो चुका है तो आपका उधर वो आपके 64-64 गज के अगर आप देख रहे हैं तो नींव हो चुके जो कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, इधर आपका ये 80-80 गज के ये चालू हो गया, उधर 80-80 गज के चालू हो गए, इधर 60-60 गज के जो सामने की तरफ है चालू हो गए। अब बात करते हैं हम लोग अब 3D में कि ये सोसाइटी बनने के बाद कैसी दिखाई देगी, ये सोसाइटी बनने के बाद किस टाइप से दिखाई देगी, आइए चलते हैं हम लोग 3D की तरफ। Some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. Fight with you. जो रास्ता सामने की तरफ जा रहा है ये जा रहा है नॉएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 की तरफ, ये सामने वाला जो रास्ता है, और सीधे हाथ पे जो जा रहा है ये राइट हैंड साइड में जो जा रहा है ये मुड़ जाता है हमारी सोसाइटी की तरफ राजू रेसिडेंसी। ये वाला रास्ता जिस पर हम लोग चल रहे हैं तो ये आपका जो है 30 फिट का रास्ता रहेगा, और हमारी यहाँ से जो है आपका ये जो कमर्शियल एरिया है जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए छोड़ा गया है लैंड ये वो रहेगा। सामने हमारी सोसाइटी की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए जो ट्रांसफार्मर सोसाइटी का रहेगा वो ये यहाँ पर रखा जाएगा सोसाइटी के सामने, और जैसे हम लोग गेटेड कम्युनिटी रहेगी यहाँ से आप आते हैं तो सिंगल गेट सोसाइटी रहेगी। यहाँ से अंदर घुसते के साथ में ही RCC रोड मिलेगा आपको, 20 फीट का RCC रोड रहेगा जैसे कि, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जितने भी बड़े वाले जो घर होंगे जैसे 120-180 गज ये आपके सोसाइटी के घुसते के लेफ्ट साइड में रहेंगे। सामने वाले जो घर है जैसे भी 120-80 गज का है, यहाँ ये जो प्लॉटिंग एरिया है अगर किसी को भी प्लॉट लेना है तो प्लॉट यहाँ इस एरिया में पीछे की तरफ जो है ये प्लॉटिंग एरिया दिया गया है इस सोसाइटी में, तो प्लॉट भी आप ले सकते हैं। तो दोनों तरफ आपके मकान हो गए, पीछे प्लॉट हो गए, सामने 60-60 गज के जितने भी मकान होंगे सामने 60 गज के रहेंगे। अभी हम लोग 64 गज की इसमें यूनिट्स भी अवेलेबल है। राइट हैंड साइड में जो सबसे पहली गली एक ही गली है वो आपकी रहेगी, उसमें 64-64 गज के मकान हम लोग देंगे। अब एक बार देखिए आप किस टाइप से हम लोग पूरा लेआउट रहेगा इस वाली सोसाइटी का। सबसे मतलब इस वाली गली की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप इस गली में अगर लेते हैं तो ये सिंगल फेसिस हाउसेज रहेगा, यहाँ से ये सप्लाई है, दीवार 10-10 फीट ऊँची, यहाँ पर आपके एक रास्ता भी रहेगा पीछे की तरफ, तो अब ये दीवार 10 फीट ऊंची दीवार है तो यहाँ से सिंगल फेस ही रहेगा आपका, यानी कि आपका ये रोड पूरा आपके ही यूज़ में रहेगा। तो हम लोग अब सेकंड गली की तरफ चलते हैं, ये गेट से सेकंड गली जो है पहली गली वो, और दूसरी गली आपकी ये वाली, इसमें भी आपका सेम एज इट इज़ साइज 2 साइड ओपन का, और आपके दो
टू साइड ओपन के हैं, 80-80, 100-100 गज के रहेंगे और हम लास्ट गली की तरफ बढ़ते हैं। ये जो लास्ट वाली गली है इसमें भी सेम एज इट इज़ तीन गली है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपके सोसाइटी में घुसते के साथ में, और तीनों इस गली में ही आपका 100-100, 80-80 गज के ये सारे के सारे जो है लेफ्ट हैंड, अभी जो आप देख रहे हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है और सोसाइटी में एंटर होते के साथ राइट हैंड साइड में, ये 60-60 गज के मकान है पूरे लास्ट तक आपका यहाँ से लेके और आपका स्टार्टिंग तक 60-60 गज के रहेंगे। अगर आप 60 गज का मकान चाहिए तो आपको आपको ईस्ट फेसिंग में मिलेगा और बाकी के अदर जो भी साइजेस चाहिए आपको वो आपको वेस्ट फेसिंग में मिलेंगे या आपका जो भी है आपका लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ऑफिस रहेगा। बाकी सोसाइटी के एंट्रेंस यहाँ से मेन एंट्रेंस सिंगल गेटेड सोसाइटी है, ये आपका कमर्शियल एरिया हो गया, सब कुछ यहाँ से आपका रहेगा, इस टाइप से आपकी सोसाइटी दिखाई देगी। किसी भी जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बात आ जाती है हम लोग की, आप लोग यहाँ पे क्यों ले मकान, अगर आप प्रॉपर्टी आप सर्च भी कर रहे हैं तो क्यों ले आप इस लोकेशन पे हमारी साइट पे क्यों ले आप मकान। देखिए चीज़ें क्या होती है, आपको जैसे सारी चीज़ मैंने अभी ये बताई, आपको जो जो बेसिक नीड्स जो जो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। अभी जैसे कि मैं बताऊँगा आपको, आपके स्कूल बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल मौजूद है, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज तो ज़्यादा दूर है ही नहीं, लाइक अगर आपको कहीं से भी, क्योंकि दिल्ली में अभी नज़दीक बताया ड्यू में पड़ता है तो दिल्ली नज़दीक है, मेट्रो नज़दीक है, ठीक है। उसके बाद में आपका प्राइवेट कमर्शियल भी, मतलब जो प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वो भी आपका मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपका कि हॉस्पिटल के लिए तो हॉस्पिटल भी आपका है, बेसिक जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या जो भी चीज़ें चाहिए होगी तो वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो भी सारी चीज़ें हैं लाइक आपके जो आपके हिसाब से वो सारी की सारी जो भी चीज़ नॉर्मली चाहिए होती है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात क्या कि यहाँ जितना भी अगर इंडिपेंडेंट हाउस लेते हैं सारी चीज़ लेते हैं वो आपके लोन के साथ साथ, तो सही लोन तो ठीक है लेकिन उसके साथ आपके बजट में भी है और सारी चीज़ें आपके हिसाब से भी है। लाइक हमारे जैसे कि हम लोग हो गए तो हम लोग रेडी टू मूव इन, हमारा रेडी टू मूव इन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, हम लोग कस्टमर के हिसाब से पूरा कंस्ट्रक्शन चालू कर बना के देते हैं। लेकिन अगर आपका मकान आपके हिसाब से बने, जिसको रहना है उसके हिसाब से बने तो ज़्यादा बेस्ट है। ये हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है कि आपके ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन बिफोर द कंस्ट्रक्शन किसी तरह का कोई आपको चेंजेस कराने तो यू आर टोटली फ्री टू डू दैट, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई लोन की, देखिए 80-90% मेरे हर वीडियो में वही है, 80-90% बैंक लोन फैसिलिटीज़ है वो भी गवर्नमेंट NBFC से। आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट पे जाएं, मैं वेबसाइट का लिंक नीचे है, आपको उस पर जाके आप अपना नंबर या किसी भी तरह की कोई क्वेरी करनी है तो क्वेरी भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, नीचे वेबसाइट की जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप नंबर कॉन्टैक्ट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।